संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक तरह से मोदी सरकार का अगले 5 साल का वह एजेंडा ही पेश किया जिसकी झलक भाजपा के घोषणा पत्र में भी दिखी थी और चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न भाषणों में भी। नई लोकसभा के गठन के उपरांत संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का महत्व इसलिए होता है क्योंकि उसमें सरकार एक तरह से अपनी भावी नीतियों और कार्यक्रमों को रेखांकित करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह का उल्लेख किया गया कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलेगी उससे यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री उस वातावरण को खत्म करने के लिए संकल्पित है और जो विरोधी दलों की ओर से एक अरसे से बनाया जा रहा है। शायद इसीलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी कहा गया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में नया भारत रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन पर आगे बढ़ेगा जहां हर कोई बिना डरे जीवन यापन करने में सक्षम हो। इसी बात को तब और स्पष्ट किया गया जब यह कहा गया कि सरकार का उद्देश्य लोगों का जीवन सुविधा युक्त और बंधन मुक्त बनाना है। राष्ट्रपति का अभिभाषण यह भी रेखांकित करता है कि मोदी सरकार को देश की मौजूदा समस्याओं और साथ ही आने वाली चुनौतियों का भी अच्छी तरह भान है। इसीलिए एक ओर जहां ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया वहीं दूसरी ओर युवाओं और महिलाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने की बात की गई। वास्तव में सबकी अपेक्षाएं पूरी होने से ही भारत का सपना सही तरह से साकार होते हुए दिखेगा। यह अच्छा है कि सत्ता संभालते ही कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो इसकी पुष्टि करते हैं कि मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में वांछित नतीजे देने पर ध्यान केंद्रित करने वाली है। इसका संकेत इससे मिल रहा है कि सरकार के 5 साल के एजेंडे को रेखांकित करने के साथ ही मंत्रियों को 100 दिन के अपने एजेंडे पर विशेष ध्यान देने को कहा जा रहा है। समस्याओं और चुनौतियों से पार पाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना समय की मांग भी है और ज़रूरत भी, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जो प्रचंड बहुमत मिला वह इसी बात का परिचायक है कि मोदी सरकार से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। आम जनता अधूरे कार्यों की पूरा होते और साथ ही उन समस्याओं का समाधान होते हुए भी देखना चाहेगी जिनका वादा किया गया है। उचित यह होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में सार्थक चर्चा हो। वास्तव में यही वह उपाय है जिससे विपक्ष सत्ता पक्ष को उन मसलों पर गौर करने के लिए राजी कर सकता है जो उसकी समझ से सरकार की प्राथमिकता में होने चाहिए। विपक्ष को प्रधानमंत्री के इस आश्वासन पर भरोसा करना ही चाहिए कि उसकी बातों को अहमियत दी जाएगी। वैसे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम मसलों को समाहित किया गया है, लेकिन उचित यह होता कि पुलिस और न्यायपालिका में सुधार भी मोदी सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर दिखते। हरदोई जिले में
सोहदों से परेशान एक लड़की द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का हादसा दिल दहलाने वाला है। उसके आसपास परिवार, मोहल्ला, दोस्त और पुलिस मौजूद थे। बावजूद इसके सोहदों के सामने वह इतनी अकेली पड़ गई कि उसने आत्महत्या जैसा अतिवादी फैसला कर लिया। निर्भया कांड के बाद उम्मीद जगी थी कि लड़कियों के प्रति अपराध घटेंगे, यद्यपि बाद में यह धारणा मरीचिका साबित हुई। उत्तर प्रदेश में भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार, हिंसा और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे संकेत मिलता है कि निर्भया कांड की आँच ठंडी पड़ने के साथ समाज लड़कियों को लेकर बेपरवाही वाली मनोदशा में लौटाया, जिसमें छेड़छाड़ से शुरू होने वाली अभद्रता को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा। बाद में कई बार यही घटनाएं बलात्कार और हिंसा की बदशक्ल ले लेती हैं। चिंताजनक है कि पुलिस भी लड़कियों की शिकायत नज़रअंदाज करती है। हरदोई में यही हुआ। लड़की की शिकायत के बावजूद पुलिस सोहदों का मनोबल नहीं तोड़ सकी, अंततः उसे जान देनी पड़ी। एक साधारण परिवार की लड़की के साथ हुआ हादसा अधिकतर लोगों के लिए खास मायने नहीं रखता, यद्यपि इसे लड़कियों की मुश्किल की प्रतिनिधि घटना माने तो समाज का व्यवहार और पुलिस की प्रतिक्रिया चिंतित करने वाली है। प्रदेश के अलग अलग अंचलों में बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन हिंसा की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। अपराधियों को ना तो इससे संबंधित कानून का भय है और ना लोकलाज का। इन दोनों ही स्तरों पर व्यापक जन चेतना पैदा किए जाने की ज़रूरत है। एक तरफ समाज ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों का तिरस्कार करे तो दूसरी ओर जांच एजेंसियां इन्हें कानून की ताकत का एहसास कराएं। लखनऊ में ही पिछले दिनों एक लड़की के साथ सोहदों ने सरेराह छेड़छाड़ की। उसकी शिकायत पर पुलिस ने सोहदों को पकड़ा भी, पर कुछ देर बाद रहस्यमय ढंग से उन पर छेड़छाड़ के बजाय शांति भंग की धारा लगाकर थाने से ही जमानत दे दी। ऐसी कार्यशैली से लड़कियों को सुरक्षा और सम्मान नहीं दिए जा सकते। यह सिर्फ तब संभव होगा जब समाज और कानून इसके लिए कंधे से कंधा जोड़कर खड़े होंगे।